सोमा एंड सन्स और मैं हूँ सोमा। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन आज मेरे हस्बैंड की वर्किंग है, तो मैंने सोचा कि चलो घर में थोड़े थोड़े कुछ कुछ काम है होते हैं जो हम लोग हमेशा पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो उसे आज कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो मेरे मन में था तो जो किड्स रूम है उसके पास जो बालकनी है मैं उसका मेकओवर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ उसी में स्कोप है और किसी में अभी तक कुछ भी डेकोरेशन का स्कोप नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि उसको थोड़ा कुछ उसमें चेंजेस करूँ, उसमें नए प्लांट्स लेके आऊँ और उसको रखूँ उसमें, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, पहले जो मेरे घर में छोटे छोटे जो 5 गमले हैं बहुत छोटे छोटे साइज़ के, जैसे कि आपने अभी देखा जो क्लिप मैंने आपको दिखाई कि मैंने आज उनको कैसे साफ ऑफ किया, तो वो जो 5 गमले पहले उसमें मुझे प्लांट लगा के दिखाओ और तभी मैं तुमको नए गमले लाने दूंगा। तो मैंने सोचा कि चलो, तो मेरे पास मनी प्लांट है, 2 बड़े गमलों में मनी प्लांट लगा है, तो उसी मनी प्लांट से ही मैं उन गमलों में जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो और अभी अभी मेरा एक नया एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है प्लांटिंग का और गार्डनिंग का। तो गार्डन तो नहीं है, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन प्लांट ये जो छोटे छोटे प्लांटर्स होते हैं इसमें नए नए पेड़ लगाना और इनको डेकोरेट करना ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने एक गमले में मनी प्लांट लगा के भी वो किया था, कुछ दिन के लिए छोड़ा था, तो वो काफ़ी अच्छा उसमें ग्रो हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। वो इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि और भी गमलों में मनी प्लांट लगा देते हैं। तो मनी प्लांट मैंने लगाया है और एक बैम्बू का है प्लांट, वो मैंने जो बड़ा प्लांट है मेरे यहाँ उसी की कटिंग से इस प्लांट को बनाया है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है इसकी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको किचन में रख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वो बैम्बू है जो मैंने खरीदा था बाहर से और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। अब इसमें नीचे आप देख सकते हैं थोड़े से रूट्स भी आने लग गए हैं, पहले रूट नहीं थे, सिर्फ कटिंग थी, तो ये रूट्स आने लग गए। तो आज मैंने इसको क्लियर पूरा साफ किया सारी लीव्स इसकी और इसको हमने टीवी के पास में डेकोरेट करते हैं। और ये वाला मेरा किचन में रहता है, ये भी मैंने जो मेरे पास बड़ा वाला मनी प्लांट है उसकी कटिंग से मैंने लगाया था, तो ये भी अब ग्रो हो गया है काफ़ी अच्छे से और इसको किचन में रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अचानक ये जब ये सक्सेसफुल हुआ तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट हुआ कि मैं थोड़ा और प्लांट्स लगाऊं और कुछ और नए प्लांट्स खरीद के लाऊं। तो अब मुझे देखना है कि लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। तो मेरे पास 15 दिन का टाइम है क्योंकि अभी अभी जो शार्ट चल रहे हैं उसमें कुछ नई शॉपिंग तो होनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इन गमलों को सेट करके देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो और ये वाला जो है मैं कहाँ पे रखती हूँ आपको दिखाती हूँ मैं इसको। तो ये वाला जो प्लांट है मैं इसको ये यहाँ पे टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के पास में रखती हूँ और हफ्ते में एक बार मैं इसको जाके साफ कर देती हूँ। तरह से इस वाले को मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है टीवी के पास जो कॉर्नर है इसमें, तो अच्छा लगता है। इसके पीछे एक आर्टिफिशियल प्लांट लगा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा सा दिखता है और वो ग्लास के जार में है तो इसलिए वो जार दिखता नहीं है। जो फ्लावर पॉट मुझे चाहिए सीजर पेड़ से कटिंग काटने के लिए और मुझे चाहिए नाइफ और एक मैंने ये ले लिया है ये वाली नाइफ और इससे क्योंकि ज़्यादा स्टडी होती है अंदर गड्ढा करने के लिए और थोड़ा सा मैंने ये टिश्यूज ले लिए हैं और मेरे पास ये है डिटॉल। तो डिटॉल बहुत ज़रूरी है और इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ ये आपको अभी मैं दिखाती हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत, आप टिश्यू की जगह पे कोई पुराना कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे घर में एक मनी प्लांट का प्लांट लगा हुआ है और ये 2 गमलों में लगा हुआ है और पास पास रखे इसलिए ऐसा एक जैसा एक फील हो रहा है, पर ये 2 प्लांट हैं और ये भी मैंने एक सिंगल लीफ की कटिंग से लगाया था और 10 साल पहले, तो वो अब काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती है तो नीचे से मुझे काट के फेंकना पड़ता है क्योंकि फिर वो वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ टूट टूट कर गिरती रहती हैं। तो वो जो कटिंग्स होती है जो हटाते हैं हम लोग फेंकते हैं उसी को यूज़ करके उनको हम दूसरे पेड़ में हम लगा लेंगे गमलों में जो मेरे पास खाली पड़े हुए हैं। तो ये जिस जगह पे दूसरी रूट निकल रही है उसी जगह पे हम कटिंग करेंगे। और जैसे कि एक और आपको मैं दिखाती हूँ ये जो ये वाला है इसमें देखिए कुछ कुछ बीज इसमें से रूट्स निकल रहे हैं,
तो ये अगर इस तरह कटिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कटिंग जल्दी ग्रो कर जाती है। देखिए ये जैसे रूट्स निकल रहे हैं, नए स्टेम्स इसमें से आ जाएंगे, तो ये अगर हम लोग लगाएंगे गमले के अंदर, इसको मिट्टी के अंदर करना पड़ेगा, तो जल्दी से पेड़ जम जाता है क्योंकि ऑलरेडी रूट यहाँ पे बन गया है। तो अगर इस तरह कटिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये मैंने लिया वाइप्स, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि वाइप्स मैंने लिया है, तो ये पुराना वाइप जैसे इसको लेके, और इसमें जो अल्कोहल था काफ़ी सूख गया था, तो वो लेके मैंने इसको वाटर से काफ़ी अच्छे से धो लिया है, सारी जो केमिकल है वो निकल जाना चाहिए। और फिर उसके बाद इसमें कोई भी डिटॉल या सेवलॉन आप लगा लीजिए और गीले वाइप के ऊपर, और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए कि सब जगह अच्छे से पहुँच जाए। और ये इससे हम अपना जो भी सीजर या नाइफ जिससे आप पेड़ को काटने वाले हैं वो साफ करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग ठीक से साफ नहीं करेंगे तो जो सीजर्स वगैरह होती हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, तो पेड़ में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से डिसइन्फेक्ट करना है। और जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम लोग भी उसको तुरंत सेवलॉन से वॉश करते हैं उसी तरह से। तो अब मैंने जो स्टेम चूज़ किया था वो मैं काट लूँगी, तो इस तरह से मैंने काटा है कि ये जो रूट्स हैं इनको मैंने इनके नीचे से काटा है ताकि ये मिट्टी के अंदर अच्छे से जा सकें, यहीं से मेरा पेड़ अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा लीफ है वो निकाल दे रहे हैं, और लीफ को भी मैं लगा दूंगी साइड में। वो इसमें से मनी प्लांट में यही खासियत होती है कि इसके सारे पार्ट से पेड़ बन जाता है, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको भी मैं सेवलॉन से साफ, सॉरी डिटॉल से साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि जब काटा होता है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसमें आ जाता है तुरंत, तो उसको मैं साफ कर ले रही हूँ। तो ये साफ करना और बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये गमला मैंने तैयार करके रखा हुआ था, इसको मैंने साफ कर दिया था, और इसमें पानी थोड़ा डाल के रख ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, और थोड़ी देर धूप में रखने से थोड़ा सा पानी उसका उड़ गया है, तो उससे पेड़ मेरा ठीक से लग जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं तो अगर गीला रहता है तो वो पेड़ एक साइड की तरफ झुक जाता है, तो उससे ठीक से पेड़ शेप नहीं ले पाता है। तो लगाने के बाद मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है, और मनी प्लांट में आपको रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये इनडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर मैं प्रेफर करती हूँ इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखने के लिए, नहीं तो ये, क्योंकि अब ये नए नए पेड़ हैं तो ये शायद फिर नहीं चल पाएंगे, तो थोड़ा सा हल्की सी छांव में हो, या इनडोर भी रख दीजिए तो भी अच्छा है। और पानी, एक कप पानी सुबह डालना है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो शाम को डालिए, नहीं तो एक टाइम अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है। और अगर पेड़ को वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है तो उसमें आप जो चाय की पत्ती घर में निकलती है वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला पेड़ मैंने लगाया था, इसकी कटिंग ये 15-20 दिन पहले मैंने लगाया था, तो ये इस तरह का रिजल्ट इसका आया है।